आश्रम में गेहूं की आड़ में मिली अफीम की खेती, 2660 पौधों के साथ आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के सीकर जिले के अजीतगढ़ कस्बे के एक आश्रम में गेहूं की खेती की आड़ में अवैध अफीम की खेती का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ 2660 हरे पौधों को जब्त किया, जिनका वजन 61 किलो 800 ग्राम मिला। अजीतगढ़ थाना प्रभारी सवाई सिंह ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सुरवाला तन सुरानी में गेहूं की फसल की आड़ में अवैध रूप से अफीम की खेती हो रही है। इस पर पुलिस की टीम का गठन कर डॉक्टर SG रायपुरिया तथा देवराला भू अभिलेख निरीक्षक धन्नाराम के साथ मौके पर भेजा गया, जहाँ सुरवाला में सिद्धि ऋषि उदासीन निर्वाण आश्रम में आरोपित सीताराम रेगड़ द्वारा गेहूं की खेती की आड़ में अफीम की खेती करना सामने आया है। यहां पुलिस ने 2660 हरे पौधे डोडे सहित मिले, जिनका कुल वजन 61 किलो 800 ग्राम मिला। पुलिस ने पौधों को जब्त कर आरोपी सीताराम रेगड़ को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस दौरान थाना प्रभारी सवाई सिंह, हेड कांस्टेबल सुंदराम, कांस्टेबल देशराज, जितेंद्र कुमार, राजेंद्र कुमार, ब्रजेश कुमार, राजू व अशोक कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार आश्रम संचालक पंजाब में रहते हैं, जो कभी कभार आश्रम आते हैं। पकड़ा गया आरोपी आश्रम में खेतीबाड़ी का काम करता है। ऐसे में जांच का विषय है कि क्या आश्रम संचालक बाबा की शह पर ही तो अफीम की खेती नहीं हो रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव राजस्थान।